श्रद्धा भक्ति के साथ शाही सवारी निकाली गई। सवारी को लेकर युवा वर्ग में सुबह से उत्साह था। युवा आजाद क्लब के सदस्यों ने कलश यात्रा व शाही सवारी में शामिल होने के लिए घर घर जाकर पीले चावल देकर आमंत्रित किया था। सुबह 10 बजे शक्ति मंदिर से बैंड बाजों और ढोल धमाकों के साथ शिव शक्ति कलश यात्रा निकली। युवा आजाद क्लब के साथ के सदस्यों ने कलश यात्रा की आगवानी की। यात्रा में महिलाएं कलश में जल भरकर सिर पर रखकर जुलूस के रूप में नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए ओकाला मैदान पहुंची और भगवान अचलेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। अंत में महाआरती कर प्रसादी के रूप में खिचड़ी का वितरण किया। दोपहर 4 बजे पंडित कैलाश शर्मा व अमित जोशी ने भगवान अचलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर पालकी में विराजित किया। उसके बाद ओकाला मैदान से शाही सवारी की शुरुआत हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रशासनिक अमले द्वारा अचलेश्वर महादेव को एक साथ सलामी दी गई। भगवान अचलेश्वर महादेव की सवारी में बैंड बाजो, ढोल धमाको, चलित ऑर्केस्ट्रा, भजन मंडली व आकर्षक झांकी, भूत बारात के साथ पालकी में विराजित होकर श्री अचलेश्वर महादेव नगरवासियों के हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। सबसे पहले जय बजरंग व्यायामशाला व मेवाड़ी माली समाज के अखाड़े के पहलवानों ने यात्रा मार्ग पर हैरत अंगेज करतब दिखाकर आमजनों का दिल जीत लिया। वहीं बैंड व डीजे की थाप पर युवा जमकर थिरकते नजर आए। यात्रा मार्ग पर सवारी में शामिल भक्तजनों को स्टॉल लगाकर विभिन्न संगठनों ने खिचड़ी, दूध, हलवा, पूरी सब्जी, आलू बड़े, फलहार, शीतल पेयजल का वितरण किया। सफल आयोजन के लिए शाही सवारी व्यवस्थापक राजेश महंत व राजेंद्र प्रजापत ने सभी का आभार माना। अंत में सवारी मंदिर पहुंची जहां पंडित शर्मा व पंडित जोशी द्वारा महाआरती उतारी गई। इसके पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। दोपहर न्यूज के लिए दीपालपुर तहसील के गौतमपुरा से अनिल कुशवाहा की रिपोर्ट।